नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबर को। राजमहल सांसद विजय हंसदा की पत्नी का हुआ निधन, आज शाम तक बरहरवा पहुंचेगा पार्थिव शरीर। राजमहल लोकसभा सीट से जेएमएम के सांसद विजय हंसदा की पत्नी कैथरीन हेमरम का निधन हो गया। कैथरीन हेमरम शुक्रवार की देर रात दिल्ली में अंतिम सांस ली। कैथरीन करीब 6 माह से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उनका इलाज एम्स दिल्ली में चल रहा था। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैथरीन का पार्थिव शरीर आज शाम तक बरहरवा पहुंच सकता है। संभवतः रविवार को अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। आप सबको बता दें कि सांसद विजय हंसदा और कैथरीन की शादी 7 फरवरी 2020 को हुई थी। दोनों की शादी को केवल 4.5 साल हुए थे। सांसद की पत्नी के निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विजय हंसदा की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लोगों ने बहुत ही कम उम्र में सांसद की पत्नी का निधन हो जाना पार्टी और परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद विजय हंसदा की धर्म पत्नी के निधन की खबर मिली है, जो अत्यंत ही हृदय विदारक है। बेहद ही कम उम्र में उनका चले जाना हमारे झामुमो परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस कठिन समय में मेरी संवेदना मेरे अनुज विजय हंसदा एवं उनके पूरे परिवार के साथ है। मरांगबुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति दे। इधर जो झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सह पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने भी सांसद विजय की पत्नी के निधन पर शोक संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी और परिवार के लिए यह घटना हृदय विदारक है। इतने कम उम्र में सांसद की पत्नी के निधन हो जाना बहुत ही दुखदायी है। ऐसे संकट की घड़ी में झामुमो परिवार विजय हंसदा और उनके परिवार वालों के साथ खड़ा है। वहीं पाकुड़ जिला के संगठन प्रभारी अजीजुल इस्लाम, जिला अध्यक्ष श्याम यादव, जिला उपाध्यक्ष समद अली, जिला सचिव सुलेमान बास की, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहम्मद तनवीर, संजीत भगत, प्रेम रजक, कर्नेलियस हेमरम, संतोष भगत, सीताराम भगत, विनोद भगत, मोहम्मद अफ्ताब सहित अन्य ने सांसद की पत्नी के निधन पर गहरा शोक जताया है। झारखंड के 12 जिलों में आज भारी बारिश का है अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून का असर, कल तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में एक बार फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखने वाला है। इस वजह से आज राज्य के मध्य और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में भारी से भारी बारिश हो सकती है। वहीं साउथ वेस्ट मानसून का भी असर दिखेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून के एक साथ होने से राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आप सबको बता दूं कि रांची सहित राज्य के कई जिलों में शुक्रवार को बारिश हुई। रांची में शाम 4:50 से शुरू हुई तेज बारिश रात तक रुक रुक कर होती रही। वहीं आज और कल भी रांची सहित राज्य भर में बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर वज्रपात होने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त को यानी कि कल राज्य के दक्षिणी हिस्से के 4 जिलों सहित देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद और बोकारो में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते 24 घंटे में राज्य के कई जगहों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में हल्की बारिश देखी गई। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 36.1 डिग्री गोड्डा और सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री रांची में दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा 133.4 मिलीमीटर गिरिडीह के राज धनवार में दर्ज की गई। आज के मौसम की बात करें तो आज पूरे राज्य में अच्छी बारिश देखी जा सकती है। आप सबको बता दूं कि रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य के कुछ जिलों में काफी ज्यादा रहेगा। कुछ जिलों में जबरदस्त बारिश की संभावना है, इसलिए लोगों को काफी सचेत रहने का भी जरूरत है। इसी लेकर कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। नीट पेपर लीक में सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश, हजारीबाग के सील गेस्ट हाउस में घुसे लोग, सीबीआई ने फिर लिया जायजा, जांच में जुटी है पुलिस। नीट पेपर लीक मामले में साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोशिश हजारीबाग में हुई। सीबीआई ने जांच के दौरान कटकमदाग के जिस गेस्ट हाउस को सील किया था, वहां 3 दिनों से लोगों के आने जाने के साक्ष्य मिले हैं। इस बात की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली और पटना से सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची और पूरे मामले की जांच की। इस दौरान स्थानीय फोटोग्राफर से गेस्ट हाउस की फोटोग्राफी भी कराई। इसके बाद कटकमदाग थाने में जीडी कराया। अब कटकमदाग पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चान्हो के जंगल में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोलने वाला था। 6 साल से अलकायदा के लिए काम करता था डॉक्टर इश्तियाक युवाओं को भी जोड़ रहा था।
आतंकी संगठन अलकायदा मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद से जुड़ी बड़ी जानकारी मिली है। इश्तियाक सानहो के चटवल में मदरसा संचालक मुफ्ती रहमतुल्ला के साथ अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट आतंकी संगठन से युवाओं को जोड़ रहा था। उन्हें सानहो के जंगल में सेंटर बनाकर हथियार का प्रशिक्षण देने की तैयारी थी। इसी उद्देश्य से मुफ्ती रहमतुल्ला चटवल के एक सुनसान जगह में मदरसा चला रहा था। यहाँ आम लोगों को आना जाना नहीं के बराबर था। अभी मदरसे में युवकों को संगठन के काम की जानकारी दी जाती थी। डॉक्टर इश्तियाक काफी सातिर है। आप सबको बता दूं कि रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में एटीएस और दिल्ली पुलिस ने छापामारी की थी। तीनों जगहों पर डॉक्टर इश्तियाक नर्सिंग होम और लैब से जुड़ा था। रांची में वह 6 साल से मेडिका में काम भी कर रहा था। इधर जो है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जमीन घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अलकायदा लिंक भी तलाशेगा। जमीन घोटाले के इस केस में ईडी ने बरियातू के लेक व्यू अस्पताल के संचालक बबलू खान को समन किया है। बबलू खान को 26 अगस्त की सुबह 11 बजे रांची कार्यालय में बुलाया गया है। ईडी को जानकारी मिली है कि बरियातू स्थित लेक व्यू अस्पताल का लाइसेंस अफसर अली के नाम पर है, लेकिन इसका संचालन बबलू खान कर रहा था। वह डॉक्टर इश्तियाक का सहयोगी भी है। अब ईडी को शक है जमीन घोटाले के जरिए जुटाए धन का आतंकी गतिविधियों में तो उपयोग नहीं हो रहा था। होमगार्ड जवानों को 25 अगस्त 2017 से समान काम के बदले समान वेतन देने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान पक्ष सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 25 अगस्त 2017 के प्रभाव से होमगार्ड जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि आदेश की तारीख से पुलिसकर्मियों के समकक्ष होमगार्ड जवानों को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देना होगा। वहीं राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 27 सितंबर की तिथि निर्धारित की। महिला पुलिस की समस्याओं के निदान को लेकर सरकार कृतसंकल्प, सीएस ने कहा। राज्य सरकार महिला पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से ही जेप 1 डोरंडा के सूर्य सभागार में पहली बार राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में महिला पुलिस कर्मियों की सेवा, सम्मान और सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन में तकनीकी सत्र भी होगा। इसमें जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे उन पर सरकार को काम करने में मदद मिलेगी। यह बात मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने कही। श्री ख्यांगते महिला पुलिस सम्मेलन 2024 उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराध से पूरा समाज चिंतित है। ऐसे में महिला पुलिसकर्मियों का दायित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर रोक लगाने के लिए महिला पुलिस की भूमिका पर विचार करने की जरूरत है। राज्य में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या अधिक से अधिक हो, इसे बढ़ाने पर विचार हो रहा है। रामगढ़ के पैतरातु डैम का जलस्तर फिर बढ़ा तो दूसरा फाटक भी खोलना पड़ा। लोगों से की अपील। लगातार बारिश के कारण रामगढ़ का पैतरातु डैम भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। बीते कुछ दिनों में जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। डैम का जलस्तर 1328 रेडियस लेवल पर है, जिसे यथावत बनाए रखने के लिए 2 फाटक से जल निकासी का कार्य किया जा रहा है। 3 और 6 नंबर फाटक को 3-3 इंच खोलकर जल की निकासी की जा रही है। डैम के फाटक को खोले जाने से पूर्व पीटीपीएस अधिकारियों के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया ताकि लोग सतर्क हो जाएं और नलकारी नदी के आसपास न जाएं। लोगों से अपील कर कहा गया है कि वे किसी भी सूरत में नदी के करीब न जाएं, क्योंकि 2 फाटक खोल जाने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि वे अपने घर के जानवरों को भी उसके इर्द गिर्द न जाने दें। इधर जो है पीटीपीएस के अधिकारी बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने 2 फाटक खोलने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि एक फाटक से जल निकासी के बावजूद भी जलस्तर 1328 रेडियस लेवल को पार कर चुका था। जलस्तर को बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी था। जेल में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगेगी रोक, तभी संगठित अपराध पर लगेगी लगाम। झारखंड के जेल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक के बाद ही संगठित अपराध पर लगाम लग पाएगी। पूरे झारखंड में 31 जेल हैं, जिनमें 7 सेंट्रल, 17 जिला और 6 अनुमंडल कारा हैं। एक ओपन जेल हजारीबाग में है। इन जेल में कई छोटे बड़े अपराधी बंद हैं, जो जेल में रहकर कारोबारियों से रंगदारी मांगने का भी काम कर रहे हैं। जेल में बंद अपराधी रंगदारी नहीं देने पर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम भी दिला रहा है। समय समय कई हत्याएं और रंगदारी मांगने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसके कनेक्शन
प्रशासन जेल से जुड़े हुए हैं। वहीं जेल में जो जेमर लगे हुए हैं 2G नेटवर्क पर ही प्रभावी है। वहीं अपराधी 4G और 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर मोबाइल ऐप से व्यापारियों और अपने गुर्गों से लगातार संपर्क में है। जेमर को जब तक अपग्रेड नहीं किया जाएगा तब तक इस पर लगाम नहीं लग पाएगा। कुछ दिन पहले ATS की टीम ने सिमडेगा जेल में छापामारी कर अमन साहू गिरोह के अपराधी के पास से मोबाइल भी बरामद किया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह सभी गिरोह के लोग झारखंड के विभिन्न जेलों में बंद हैं, लेकिन जेल में बंद रहने के बावजूद इनके आतंक का सिक्का अभी भी चल रहा है। जेल के अंदर इन्हें वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध है जेल के बाहर रहने पर मिलते हैं। समय समय पर इन गैंगस्टर की जेल के अंदर से तस्वीरें और वीडियो भी वायरल होती है, जिनमें यह जेल में पार्टी करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।